नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है जेई मेंस 7 जनवरी शिफ्ट 2 का। पेयर ऑफ टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x-4y प्लस 16 इक्वल टू 0, देन स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। अब इसको करने के दो तीन तरीके हो सकते हैं। नंबर वन, एक बात करूं कि आप चाहें तो इसका पर्पस समझ लीजिए कंसेप्ट की, इस पॉइंट से ओरिजिन से जब हम पेयर ऑफ टेंजेंट लेंगे, ये हो गया T1, ये हो गया T2, ये कहलाएगी कॉट ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी आपको T1 T2 का स्क्वायर बताना है। एक तरीका ये हो सकता है कि हम क्या करें कि इस कॉट ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन निकालें जो होती है T=0। T=0 अगर जनरल सर्कल दिया हुआ है, तो जनरल सर्कल दिया हो तो क्या होता है, XX1 प्लस YY1 प्लस G इंटू X प्लस X1 प्लस F इंटू Y प्लस Y1 प्लस C इक्वल टू 0। तो यहां पर अगर हम देखें तो 0 0 है तो सिंपल बहुत जल्दी हो जाएगा, -4 इंटू X प्लस 0 -2 इंटू Y प्लस 0 प्लस 16 इक्वल टू 0, या -4X -2Y प्लस 16 इक्वल टू 0। ऐसा भी बोल सकते हैं 2x प्लस y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब अगर मैं चाहूं तो इसके सेंटर से अगर इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये लेंथ मिल जाएगी, ये लेंथ रेडियस है, सेंटर आपको पता है कितना है 4, 2, 16 प्लस 4 माइनस 16, तो रेडियस भी 2 है। अब ये जब परपेंडिकुलर डालेंगे आप, मान लीजिए c है ये m है, तो सी एम आपको मिलेगा 8 प्लस 2 माइनस 8 अपॉन रूट 5, इसका मतलब 2/√5, राइट, सी एम आ गया 2/√5। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम T1m निकाल सकते हैं जो कि होगा 4-4/5 यानी 16/5 यानी 4/√5। ये मिला हमें T1m, दिस इज 4/√5। इसका ट्वाइस कर लीजिए, सर्कल जिस कंसेप्ट से पढ़ा है बिल्कुल वो समझिए, तो 8/√5 ये टोटल लेंथ हो गई, यानी T1 T2 जो है वो 8/√5 है, पर आपसे T1 T2 नहीं पूछा है, इसका स्क्वायर पूछा है, तो जैसे ही इसका स्क्वायर करेंगे तो 64/5 ये एक राइट आंसर हो गया। पहला अप्रोच ये था, दूसरा आप चाहें तो लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल के रूट S1 से निकाल सकते थे, इस पर एक परपेंडिकुलर डालते वो भी एक तरीका हो सकता था, राइट। नोट करिए क्वेश्चन, यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट थीटा वन लेस देन थीटा टू आर टू सोल्यूशन ऑफ 2 cot² θ माइनस 5 upon sin θ प्लस 4 इक्वल टू 0, थीटा बिलोंग टू 0 to 2π, देन θ1 to θ2 cos²3θ। ये क्वेश्चन है, आप देखिए समझिएगा, क्वेश्चन ये है 2, इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं cos²θ माइनस 1 माइनस 5 cos²θ प्लस 4 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक का भी कंसेप्ट है, ट्रिग्नोमेट्री का भी बेसिक है, और साथ में इंटीग्रल का भी कंसेप्ट है, यानी ये इंटरकनेक्शन बिटवीन टॉपिक्स अगर आपके क्लियर है, यानी हर टॉपिक पर कमांड है, तो ये क्वेश्चन किया जा सकता था। अब देखिए एक तरह से इक्वेशन बन गई 2 cos²θ माइनस 5 cos²θ प्लस 3 इक्वल टू 0, माइनस टू है तो ये प्लस 2 हो जाएगा। अब इसके फैक्टर बन रहे हैं, यस ये 5 है ये 4 बन जाएंगे, तो 2 cos²θ, समझाने के लिए स्टेप लिख रहा हूं, आप ये स्टेप ना लिखें, प्लस cos²θ प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आपने 2 cos²θ कॉमन लिया तो cos²θ माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लिया cos²θ, यहां पर ये माइनस आएगा cos²θ माइनस ऑफ 2, इसका मतलब cos²θ इक्वल टू 2 और cos²θ इक्वल टू माइनस 1/2। अब cosec की वैल्यू माइनस 1/2 तो होगी नहीं, इसका मतलब ये हुआ, यानी sin θ इक्वल टू एक तरह से 1/2, तो θ 1 हो गया, मतलब θ हो गया π/6 एंड 5π/6, राइट, θ हो गया π/6 और 5π/6। अब क्योंकि ऑलरेडी गिवन है θ1 < θ2, तो इसका मतलब θ 1 है 5π/6, ये है π/6 और θ 2 है 5π/6। आप केवल इतना सा एक काम करना है कि यहां पर θ1 θ2 रख दीजिए, तो π/6 और यहां पर ये कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हो 1 + cos 6θ / 2 d θ।
एंड देन अब ये डायरेक्टली आपसे आपके लिए सॉल्व हो गया, थीटा प्लस साइन 6 थीटा बाय 6 जी 5/6 से 5π/6, राइट। सबसे पहले एक काम करिएगा, 1/2 5π/6 प्लस, यहां पर जब रखा तो 6 से 6 कैंसिल, 6 ये मिलेगा 5π, वो जीरो हो जाएगा। फिर आइए माइनस ऑफ 5/6, क्योंकि ये रखेंगे तो फिर जीरो हो गया, तो ये मिला 1/2 4π/6, राइट। ये हो जाएगा 5 - 1 4 यानी 12, तो करेक्ट आंसर आ गया 5/3। देखिए दिया हुआ भी है, तो राइट आंसर इज 5/3। अब आप क्वेश्चन को समझिए कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक रूट और डेफिनेट का बेसिक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था, बस इंटरकनेक्शन थे टॉपिक से। अगर वो क्लियर होगा तो बहुत इजीली इस क्वेश्चन को किया जा सकता था, राइट। नोट कर लीजिए, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और समझिएगा। लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो सच दैट पी के इक्वल टू अल्फा पावर के बीटा पावर के ग्रेटर देन इक्वल टू वन, देन विच वन इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट का मतलब होता है कि इसमें थ्री रॉन्ग है, एक कोई थ्री राइट है, एक कोई रॉन्ग है, आपको रॉन्ग वाला बताना है। अब देखिए एक चीज समझिए, अगर मैं इसमें जाऊं तो सम ऑफ रूट्स है वन बी बाय, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है -1। एक चीज अगर इसको मैं फॉर्मूले मेथड से करता तो x इक्वल टू आता 1 ± √5/2, यानी एक तरह से एक रूट है 1 + √5/2 और एक है 1 - √5/2। अब देखिए मैं आपको इसका कंसेप्ट बताता हूं, जैसे यहां पर P4 बोला है 11 है, या P3 इक्वल टू P5 - P4, ये सब समीशन है, यहां पर मल्टीप्लाई है। अगर मैं चाहूं कि आपसे बोलूं कि ये बताइए P1 क्या है, तो P1 है अल्फा प्लस बीटा, यहां पे क्या आ गया, इसका मतलब है P1 1 है। अगर मैं आपसे बोलूं P2 क्या है जनरल कंसेप्ट के लिए, तो आप बोलते अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड दिस इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, यस और नो। तो अल्फा प्लस बीटा 1 है, 1 - -+2 यानी ये 3, तो P2 3 है। अगर सपोज मैं आपसे बोलूं कि P3 क्या है, तो आप बोलते अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसको भी आपने बनाया हुआ अल्फा प्लस बीटा, ये सब डायरेक्ट फॉर्म लिखी हुई है आपने, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -3 अल्फा बीटा, ये 1 है, ये कितना 1 + 3 यानी 4 है, राइट। अगर मैं बोलूं कि P4 क्या है, तो आप लिखते अल्फा स्क्वायर अल्फा 4 प्लस बीटा 4, और इसको भी आप ऐसा लिख सकते थे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर देखिए 3 निकाला है, तो 9 - 2 × 1 यानी 7। अब चाहे तो आप ऐड करके देख लीजिए, जैसे अभी चलिए P4 कितना है, इसमें एक मिनट देख लीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और अल्फा बीटा है -1, यहां पर आपने लिखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये -1 रखा तो +2 और +1 ये 3, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा यहां पर आया तो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -3 अल्फा बीटा, -1 से ये हो गया 3 प्लस का 1, ये भी ठीक है। अल्फा 4 बीटा 4, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको देखिए ये 3 मिलेगा, 3 का स्क्वायर हो गया 9, -2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते थे, तो 9 - 2 यानी ये हो गया 7। अब P4 आपको कितना दिया, 11। अच्छा इसके बाद अगर मैं बोलूं कि P5 निकालिए, सपोज अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा, तो P5 जब बोला जाएगा तो आप लिखते अल्फा 5 प्लस बीटा 5, जैसे यहां पर P2 × P3 भी दिया हुआ है। अब आपको केवल इसमें एक चीज करनी थी, देखिए जैसे मान लीजिए इसका फॉर्मूला नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका मतलब समझिए क्या है, 1 + √5 का होल पावर 5 प्लस 1 - √5 की होल पावर 5 और बाय 32, मतलब ये आ गया, इसको ऐड कर दीजिए, तो ये ऐड जब करेंगे तो 2 × 32 देखिए क्या होगा, 1 फिर 5c2 यानी 10 × √5 यानी 5, 5c4 5 × 25,
ये मिलता 1/16 और ये मिलता 50, ये हो जाता 50 प्लस 125 प्लस 1 यानी 176, ये कंप्लीटली कैंसिल, तो 16 1 एंड 1 11 टाइम, यानी P5 जो है, हो सकता है अभी हम समझ में, हो सकता है P5 ही दिया हो। तो इस तरह से, क्योंकि मेमोरी बेस्ड पेपर है, इस तरह से अगर हम देखें तो हमने सारी वैल्यू निकाल ली, कंसेप्ट आपका बनाने के लिए मैंने सब बताया आपको। तो P1 आ गया 1, P2 आ गया 3, P3 आ गया 4, P4 आ गया 7 एंड P5 आ गया 11। अब जरा आप इसको देखिए ऑप्शन को, जैसे अगर मैं सबको ऐड करूं तो 18 प्लस 4 22 25 26, यानी ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। P3 P5 माइनस P4, P5 माइनस P4 करो, 7 माइनस 11 माइनस 7 4, ये P3 के इक्वल है, ये भी करेक्ट है। P5 है 11 और P2 इंटू P3 करें तो ये होता है 12, ये नहीं है राइट, पर ये मैं बताता हूं आपको, ये P5 दिया होगा ऑप्शन में, तो ये आंसर रॉन्ग है। कौन सा इनकरेक्ट है? P5 इक्वल टू P2 इंटू P3, ये इनकरेक्ट है। पर इस तरह से आपने सारी वैल्यू निकाल ली और कंसेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, और आप ये चीज बहुत यूज कर सकते थे, a प्लस बी की पावर n प्लस a माइनस बी की पावर n इक्वल टू, जब भी प्लस हो तो 2 टाइम्स ऑफ इवन टर्म होता है राइट, ये बात ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन है और ये क्लास में करा हुआ क्वेश्चन है। 4x² लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 8x प्लस 12 इज, सबसे पहले याद रखिए मैंने बताया था इनइक्वालिटीज में हमेशा इक्वल मान के ग्राफ बना लीजिए, मतलब एक ग्राफ ऐसा बना लीजिए 4x² का और एक है y इक्वल टू 8x प्लस 12। लेस देन का मतलब होता है बिलो, ग्रेटर देन का मतलब होता है अबव, आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए सबसे पहले अगर कर्व की बात करूं तो ये हो गया कर्व, ये लाइन है, x की वैल्यू 0 रखिए तो y मिलता है 12, यानी 12 पे कट करेगी, y की वैल्यू 0 रखो तो x मिलता है -3/2 इस तरह से राइट। तो लाइन में बिलो है y के साथ लेस देन है, कर्व में देखिए ग्रेटर देन है तो ऊपर का, तो यानी इसका मतलब ये जो है ये वाला पार्ट जो है वो एरिया को बताएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है, इसके आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, इस लाइन वाले कर्व में से ये जो दो एमटी दिख रहे हैं इनको माइनस कर दीजिए। कैसे निकालेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू रख दीजिए, 8x प्लस 12 इक्वल टू 4x² एक्स कैंसिल, x² माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 राइट। इसके आपने फैक्टर बनाया x² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 3 x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 और माइनस 1, यानी ये पॉइंट है 3, 0 का, बिल्कुल सिंपल माइनस 1, 0 का। तो आपको केवल इतना सा काम करना है, माइनस 1, 2, 3 में लाइन ले लीजिए, लाइन है 8x प्लस 12 dx, डायरेक्ट लिख रहा हूं, माइनस ऑफ माइनस 1 से 3 में पैराबोला का y, यानी 4x² dx, बस हो गया सॉल्व। अब ये क्या होगा, 8x² / 2 यानी 4x² प्लस 12x, x² / 2 होगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1, 2, 3 माइनस ऑफ 4/3 बाहर लिख दीजिए चाहे तो, कांस्टेंट हमेशा बाहर लिख दिया करिए, टाइम सेव होता है, माइनस 1, 2, 3। अब सबसे पहले 3 रखिए, तो 3 रखा तो 9, 36 प्लस 3, 36 माइनस ऑफ 4 - 12। सिमिलरली ये एक पोर्शन हो गया, माइनस ऑफ 4/3 27 प्लस 1 क्या हो जाएगा, देखिए 72 माइनस माइनस प्लस 8 माइनस 4/3 28, ये मिला आपको फाइनली 80 माइनस 28 इंटू 4/3 राइट, यानी 8 × 3 = 240 माइनस 112 / 3, तो हो जाएगा 128/3, ये आ गया राइट आंसर, करेक्ट आंसर है 128/3, ये दिया हुआ भी है। केवल आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला और लाइन के एरिया में से कर्व के एरिया को सबट्रैक्ट कर दिया, नोट कर लीजिए क्वेश्चन।
यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिमिट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। लेट एफ एक्स इज अ 5 डिग्री पॉलिनोमियल विच हैज क्रिटिकल पॉइंट प्लस माइनस 1। क्रिटिकल पॉइंट मतलब होता है जहां पर एफ डैश एक्स जीरो हो, यानी एफ डैश प्लस माइनस 1 पर जीरो हो, ये बात हमें अभी से पता है। अब क्वेश्चन में दिया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 2 प्लस एफ एक्स अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 4, ये मैं फुल नहीं लिखा। देन विच वन इज इनकरेक्ट, आपसे पूछा है कौन सा इनकरेक्ट होगा। अब एक चीज समझिएगा, इसके ऑप्शन है एफ एक्स हैज मैक्सिमा मिनिमा एट एक्स इक्वल टू 1, मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू माइनस 1। बी है मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 1, मिनिमम माइनस 1। सी है एफ एक्स इज ऑड, डी है ये। एक बात सुनिए, अगर मिनिमा 1 पर है तो मैक्सिमा माइनस 1 पे होगा, या फिर मैक्सिमा 1 पर है तो मिनिमा माइनस 1 पे होगा, यानी ये बात कंफर्म होगा कि इन दो में से कोई एक करेक्ट है और एक राइट है। तो इसका मतलब ये दो तो राइट होंगे ही क्योंकि ये अपोजिट है, तो आपने एक चीज तो कंफर्म कर ली कि इन दो में ही, बाकी आप चेक अभी मैं करवाऊंगा अभी सब, पर ये बात समझ में आ गई क्योंकि अगर मिनिमा 1 पे है या मैक्सिमा 1 पे, ये क्लियर है तो अगला भी होगा। अब इस क्वेश्चन में समझिए, एफ एक्स पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 दी थी, तो आप ऐसा मान लें एक्स पावर 5, बी एक्स पावर 4, सी एक्स क्यू, डी एक्स स्क्वेयर, ई एक्स प्लस एफ, ऐसी एक इक्वेशन ले सकते हैं। बट लिमिट में अपॉन में एक्स क्यूब है और लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही, तो ये जब भी पॉसिबल है, क्योंकि अगर मैं आपको अलग से बोलूं कि इसमें आप सपोज एक्स क्यूब का डिवाइड कर देते तो क्या होता, ऑब्वियसली अगर डिवाइड करते तो यहां के बाद अपॉन में एक्स आता तो अनडिफाइंड हो जाता। इसका मतलब हम यहां पर बिल्कुल कंफर्म बोल सकते हैं कि एफ एक्स जो होगा वो होगा एक्स पावर 5, बी एक्स पावर 4 प्लस सी एक्स क्यूब ओनली। यही इस क्वेश्चन में समझने वाला पॉइंट था। इस पेपर को अगर हम समझें तो कुछ क्वेश्चंस टाइम कंज्यूमिंग थे, करीब करीब 5 to 6 क्वेश्चन थे जिसमें टाइम लग सकता था। अब और 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता। अब देखिए ये यहां पर अगर मैं रख दूं तो आप समझिएगा, समझाने के लिए स्टेप लिख रहा हूं, 2 प्लस एक्स पावर 5, बी एक्स पावर 4, सी एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 4। अब आप इसका डिवाइड करेंगे तो c अकेला बचेगा, यानी 2 प्लस c इक्वल टू 4, तो c की एक वैल्यू आ गई 2, राइट। यानी ऑब्जेक्ट फंक्शन हमारे पास बन के आ गया ए एक्स पावर 5 प्लस बी एक्स पावर 4 प्लस 2 एक्स क्यूब, ये इक्वेशन बन गई। ए बी भी मिलेंगे हमें क्योंकि हमें क्रिटिकल पॉइंट दिए हुए हैं। अब मैं अगर इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो मिलेगा 5 एक्स पावर 4, 4 बी एक्स क्यूब प्लस 6 एक्स स्क्वायर। अब एफ डैश 1 भी जीरो है और एफ डैश माइनस 1 भी जीरो है, ये दोनों रखते हैं। मैं क्वेश्चन वाले प्लेस को रब कर रहा हूं केवल, तो ध्यान से समझिएगा। अगर मैं यहां पर रखूं तो क्या होगा, देखिए जब मैंने 1 रखा होगा तो मुझे मिला होगा 5a प्लस 1 रख रहे हैं यहां पर, 5a प्लस 4b प्लस 6 इक्वल टू 0, एक बार माइनस 1 रखिए तो भी 5a माइनस 4b प्लस 6 इक्वल टू 0, सॉल्व कर दीजिए 10a इक्वल टू 12, a इक्वल टू माइनस हो सॉरी ए हम ये माइनस हो जाए प्लस 12 आएगा, तो a इक्वल टू माइनस 6 बाय 5, ए का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू यहां रख देते हैं तो माइनस 6, 5 से 5 कैंसिल, तो b वैल्यू आ गई 0। इसका मतलब हमारे पास एक चीज हमें समझ में आ गई यहां पर कि एफ एक्स जो है वो कुछ ऐसी इक्वेशन है, माइनस 6 बाय 5 एक्स पावर 5, b का वैल्यू 0 है, प्लस केवल 2x क्यूब। देखिए ये इक्वेशन आ गई, राइट अब ये फंक्शन के पावर ऑड है, देखिए अपने आप ही करेक्ट हो गया ना ऑड फंक्शन, ये भी करेक्ट होगा। आप इसमें 1 और माइनस 1 रख के देख लीजिए, वो भी हम करेंगे, पर अभी हमें ये कंफर्म था कि ये दो आंसर में ही एक होगा। तो आप इसका डिफरेंशिएशन तो कर ही चुके हैं, इसका डिफरेंशिएशन आपने अभी निकाला था एफ डैश एक्स, वो था कितना, 5 से 5 कैंसिल, माइनस 6 एक्स पावर 4 प्लस 6 एक्स क्यूब, यानी आप इसका आप डबल डेरिवेटिव करिए तो माइनस 24 एक्स क्यूब प्लस 18 एक्स स्क्वायर। देखिए 1 रखेंगे तो एफ 1 रखेंगे तो नेगेटिव मिलेगा, यानी 1 जो है, 1 जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो माइनस 1 मिनिमा हुआ, तो 1 मैक्सिमा माइनस 1 मिनिमा, तो ये करेक्ट है, तो अपने आप ही ये वाला आंसर
रॉन्ग हो जाएगा, आप बिना चेक करे बचे हुए ऑप्शंस को रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन दो में ही कोई एक इनकरेक्ट है, ये डिसाइड पहले हो गया था। अब क्योंकि आपने इतनी मेहनत करी है तो अब आप चाहें तो पूरा निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ऑड आपने निकाल ही लिया, एफ वन निकालना तो इससे निकालेंगे, देखिए वन रख देंगे तो एफ वन आएगा माइनस सिक्स बाय फाइव प्लस टू यानी फोर बाय फाइव, एफ माइनस वन निकालिए माइनस प्लस हो जाएगा सिक्स बाय फाइव क्योंकि माइनस वन रखा है, और ये होगा माइनस टू तो ये माइनस फोर बाय फाइव। अब देखिए एफ वन माइनस फोर टाइम्स तो फोर बाय फाइव माइनस फोर टाइम्स ऑफ माइनस फोर बाय फाइव ट्वेंटी बाय फाइव इक्वल टू फोर, देखिए ये भी करेक्ट हो गया राइट। तो पूरा आपको हर चीज चेक भी नहीं करनी थी क्योंकि आपको मैक्सिमम मिनिमा के पॉइंट अपोजिट दिए थे तो ये कंफर्म था कि क्या हो सकता है। बट कितना अच्छा क्वेश्चन था, लिमिट में अपॉन में एक्स क्यूब होने पे हम बिल्कुल श्योर थे कि स्क्वायर और एक्स और कॉन्स्टेंट टर्म नहीं होंगे, फंक्शन कंसीडर करा यहां पर क्योंकि जब आप डिवाइड करेंगे, देखिए ये कैसे आया वो एक बार फिर बता देता हूं कि आपने पहले डिवाइड किया होगा टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब का प्लस सी, और अब एक्स के प्लेस पे आपने जीरो रख दिया तो टू प्लस सी इक्वल टू फोर, इससे आपको सी मिल गया राइट। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फॉर एनी पॉइंट पी ऑन द लाइन एक्स इक्वल टू टू बाय टू वाई परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन वाई इक्वल टू एक्स लेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज क्यू फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। लोकस वर्ड सुन के कई बार लगता है कि क्वेश्चन टफ होगा, पर समझिएगा क्वेश्चन है क्या, कंसेप्चुअली समझिएगा। ये कोई लाइन है वाई इक्वल टू टू एक्स की और ये ओरिजिन से जा रही है, ये कोई लाइन है वाई इक्वल टू टू एक्स की, ये कोई लाइन है वाई इक्वल टू एक्स की, इस पर एक कोई पॉइंट है पी जिससे आपने इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर डाला, ये परपेंडिकुलर है जो क्यू है, तो इसके मिड पॉइंट का लोकस बताना है। अब देखो ये पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, तो एक तो पहली चीज ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब ऐसा डायग्राम देखने में आपको अजीब लगता है तो आप ऐसा लिख लो, बात एक ही है वाई इक्वल टू टू एक्स, और एक तरह से ये लाइन मान लो जा एक ही पॉइंट से रही थी, पर अभी मान लीजिए कि लाइन ये है वाई इक्वल टू एक्स। अब इस पर कोई पॉइंट है पी, इस पर एक कोई पॉइंट है क्यू, आपको इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, मतलब एच के का लोकस निकालना है। अब क्योंकि वाई इक्वल टू टू एक्स है तो मान लीजिए कि आपने एक्स की वैल्यू, या ऐसा बोल सकते हैं वाई इक्वल टू अगर टू सॉरी ये वाई इक्वल टू एक्स बाय टू है, वाई इक्वल टू एक्स बाय टू है, तो मान लो थोड़ी देर के लिए कि आपने इसका एक्स की वैल्यू टू अल्फा ले लो तो वाई अपने आप ही अल्फा हो जाएगा। यहां वाई इक्वल टू एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, इसको बीटा बीटा ले लेते हैं, मतलब आपने इसके कोऑर्डिनेट लिए, राइट डायग्राम यही है टू अल्फा कॉमा अल्फा बीटा कॉमा बीटा, पर मैंने समझाने के लिए इस तरह से आपको बना दिया। अब समझिए एक तो आपके पास एक इक्वेशन ये है, मिड पॉइंट है ये, तो एच इक्वल टू टू अल्फा प्लस बीटा बाय टू यानी टू एच इक्वल टू टू अल्फा प्लस बीटा, इसको इक्वेशन वन बना के छोड़ दीजिए। एक है के इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बाय टू यानी टू के इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, चाहे तो बीटा की वैल्यू अल्फा के टर्म में यहां रख दें तो टू एच इक्वल सॉरी टू के इक्वल टू समझिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू है टू एच माइनस टू अल्फा, यानी ऐसा भी बोल सकते हैं आप कि अल्फा इक्वल टू टू एच माइनस टू के राइट। अल्फा इक्वल टू क्या करा आपने, बीटा के प्लेस पे रखा आपने टू एच माइनस टू अल्फा, तो आपको एक तरह से मिल गया अल्फा इक्वल टू टू एच माइनस टू के। अब इन दो इक्वेशन के बाद एक चीज और पता है हमको, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोला है, जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है, तो अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप आपको पता है वन है, तो इसका स्लोप होगा माइनस वन, यानी इसके स्लोप को माइनस वन से कंपेयर कर दें तो ऐसा बोल सकते हैं हम अल्फा माइनस के अपॉन टू अल्फा माइनस एच इक्वल टू माइनस वन। तो क्या हो गया, अल्फा माइनस के इक्वल टू माइनस टू अल्फा प्लस एच, या थ्री अल्फा इक्वल टू एच प्लस के, ये अल्फा के प्लेस पे रख दें तो कितना हो जाएगा एच प्लस के अपॉन थ्री, तो सिक्स एच माइनस सिक्स के राइट, के यहां ऐड हो जाएगा तो सेवन के इक्वल टू फाइव एच, या एच के को लोकस पूछा है तो सेवन वाई इक्वल टू फाइव एक्स इज आर राइट आंसर। क्या आंसर हुआ, सेवन वाई इक्वल टू फाइव एक्स, ये दिया हुआ देखिए आंसर।
यानी अगर आपने क्वेश्चन को सही अप्रोच से किया तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते थे। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। लेट ए इक्वल टू ए आई जे, बी इक्वल टू बी आई जे आर 2, 3 × 3 मैट्राइसेस सच दैट बी आई जे इक्वल टू लेमडा पावर आई प्लस जे माइनस 2 ए आई जे, डिटर्मिनेंट बी इक्वल टू 81, देन डिटर्मिनेंट ए पूछा है इफ लेमडा इक्वल टू 3। आप समझिए कि पहले इस क्वेश्चन का फॉर्मेशन कैसा होगा। एक्चुअल में यहां पर बी आई जे मतलब B11, B12 इस तरह से बनेगा। तो यहां पर सबसे पहले ऐसा दिया है बी आई जे इक्वल टू 3 की पावर आई प्लस जे माइनस ऑफ 2 इंटू ए आई जे, राइट। तो अगर मैं बी आई जे बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33। अगर मैं आपके बोलूं कि इसके एलिमेंट लिखो तो आप इसके एलिमेंट कैसे लिखते हैं, देखिए ध्यान से। आप जब 1 रखते तो 3 की पावर 1 प्लस 1, 2 माइनस 2, तो ये बहुत ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है। A11 3 की पावर 0 होता, फिर 1, 2 रखते तो देखिए 3 माइनस 2 ऐसे करते चलेगा तो 3A12, 3² A13, राइट। 3 पावर 0 A11, 3 पावर A12, 3 पावर लाइक दिस। अब 2, 1 रखते तो फिर 3 - 1 होता, यानी 3A21, फिर 3A22, 3 का स्क्वायर भी होता है यहां, और यहां पे 5 हो गया तो 3 की पावर 3A23, राइट। ऐसा बनाना है, ये दिया हुआ है मैट्रिक्स तो इसको इस फॉर्म में बनाना है। फिर 3, 1 रखते तो 4 होता, तो 3 का स्क्वायर A31, 3 की पावर 3A32, एंड 3, 3 था ये तो 3 की पावर 4A33। अब इसको इसके डिटर्मिनेंट के टर्म में दिया हुआ, तो जब आपसे ये बोला जाए, अब इसका डिटर्मिनेंट अगर आपसे बोला जाए निकालो तो वो दिया हुआ 81। अब इसके डिटर्मिनेंट को निकालना है, मान लीजिए दोनों तरफ के, तो क्या होगा कि इसमें से आप क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, बस वो ध्यान दीजिएगा। यहां 1 है तो जब आपको कॉमन लेने की बारी आएगी तो इसमें ये 3 की पावर 0, यानी यहां 1 लिखा है केवल, तो केयरफुल रहना नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। यानी इसमें से अभी आप ऐसे सोचिए कि आपने इसमें से एक क्या निकाला, 3, इसमें से 3² ठीक है, इसमें से 3, इसमें से 3² तो 3³ हुआ, और अभी खत्म नहीं होगा बात। अब जब आपने देखिए ऐसा होता जाएगा, सबसे पहले तो 1 इसमें से आपने अभी निकाला था 3, तो A11 बचा, ये 12 बचा और ये A13 मिला। पर क्योंकि जब आपने इसमें से 3 निकाल लिया था तो एक 3 बच गया होगा यहां और एक 3 यहां बच गया होगा, तो इससे भी एक 3 आएगा। ऐसे ही इससे आपने 3² निकाल लिया होगा, ये 3² और ये आ गया डिटर्मिनेंट। अब ये 3 की पावर 4 जो होगा वो 81, तो कैंसिल, और ये डिटर्मिनेंट, अब ये क्या है, ए लिखा है तो ये इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/9, तो 1/9 इज अ राइट आंसर। ये इसका अप्रोच था कि टोटल 3 कितने बार निकलेंगे, तो 3 का स्क्वायर 3 पावर 4 कैंसिल, यहां मिलेगा 1 इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए, तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 1/9। बहुत अच्छा और समझने वाला क्वेश्चन था, इसको इस फॉर्मेट में बनाना था, स्टेप कम लिखनी थी, इसलिए अलग से मैंने नहीं बनाया, यहीं के ही इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में बना दिया। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, समझिएगा ध्यान से। देयर आर 5 मशीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन बींग फॉल्टेड इज 1/4, यानी मशीन के फेल होने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, तो ना फेल होने की प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली अपने आप ही 3/4 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 मशीन, अधिक से अधिक 2 मशीन फेल हो उसकी प्रोबेबिलिटी दी है 3/4³ k, देन द वैल्यू ऑफ k। अब आपको सिंपल बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगा दे, एटमोस्ट 2 के लिए लगाना है तो आपको पता है एटमोस्ट 2 के लिए क्या करेंगे, तो 5 है तो 5c0, p की पावर 5, q पावर 0, 5c1, p की पावर 4, q, 5c2, p की पावर 3,
क्यू स्क्वायर। तो हम यहां पर फॉल्टेड की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है एक भी मशीन फॉल्टेड ना हो। तो आप देखिए इस, अच्छा ये आपको दिया हुआ है 3/4 का क्यूब इंटू के, यानी ये पूरा कैंसिल होगा, इसी फॉर्म में आंसर आएगा। तो 5C0 इज 1, पी अब ना होने की कितनी 3/4 की पावर 5 प्लस 5C1 इज 5, 3/4 की पावर 4 इंटू 1/4 प्लस 5C2 इज 10, 5 इंटू 4 यस, एंड 3/4 का क्यूब इंटू 1/4 का स्क्वायर। अब देखिए एक चीज समझिएगा, किसी भी क्वेश्चन को किस स्केल से कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरह से ये 3 का क्यूब है, यहां पर 2 का स्क्वायर है, 2 की पावर 6 भी लिख सकते हैं आप, राइट, इनटू के है। यहां पर ध्यान दीजिए 4 की पावर 5 आएगा, यानी 2 की पावर 10 आएगा। अब क्या मिलेगा, 3/5 प्लस 5 टाइम्स ऑफ 3/4 प्लस 10 टाइम्स ऑफ 3 का क्यूब। अब आपका स्केल काम आता है, 3 का क्यूब निकाल लीजिए, ये कैंसिल, 2 की पावर 6 भी कैंसिल, तो ये 2 की पावर 4 यहां आ जाएगा, तो 16 इंटू के इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस 5 इंटू 3 15 प्लस यहां पर मिलेगा 3 क्यूब तो 10, ये हो गया 16 प्लस 10 26, तो 16 के इक्वल टू 26, एक बार चेक करिए 25 यस, 3 की पावर 5 तो 3 स्क्वायर बचा हुआ है यहां पे, सॉरी ये 9 था, 3 का स्क्वायर यहां पर 3 इंटू 5 15 और ये 10, तो इसका मतलब ये हुआ 34, 16 के इक्वल टू 34, देन के इक्वल टू 17/8, दिस इज द राइट आंसर। यानी क्वेश्चन को अप्रोच वाइज करोगे तो कोई भी एग्जाम का पेपर इजीली हो सकता है। और कितना अच्छा क्वेश्चन था, डिस्ट्रीब्यूशन का एक बेसिक थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन था। नोट करिए क्वेश्चन को, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए शिफ्ट वन में भी बिल्कुल इसी तरह का एक क्वेश्चन था, उसमें भी प्योरली रियल बोला था पर इक्वल टू दिया था। यहां पर भी एक क्वेश्चन है, जेड इक्वल टू 3 प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन 4 माइनस आयोटा कॉस थीटा, इस प्योरली रियल और थीटा बिलोंग टू बोला है पाई बाई टू टू पाई, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, देन आर्गुमेंट ऑफ साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा। देखिए आर्गुमेंट हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। अब एक चीज समझिए कि क्योंकि क्वाड्रेंट सेकंड है तो सेकंड क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल पाई माइनस होगा, ये हमने पढ़ा हुआ है, सेकंड क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल यहां तक जाना है तो पाई में से सबट्रैक्ट कर दें, तो देखिए ये दो आंसर तो हो ही नहीं सकते, कट कर दीजिए। अब केवल ये दो आंसर बचे जो पाई माइनस है, अब क्या होगा, वो इसके वैल्यू से थीटा निकलेगा। देखिए इसको समझें तो जेड इक्वल टू है 3 प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन, बिल्कुल सिंपल स्टेप में कर सकते हैं आप इसको, रेशलाइज करेंगे 4 प्लस आयोटा कॉस थीटा 4 प्लस। अच्छा अब ये बोला है कि ये प्योरली रियल नंबर है, इसका मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, तो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा 4 साइन थीटा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 कॉस थीटा, दिस शुड बी 0, इसका मतलब टेन थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ 3/4, यस और नो। अब टेन थीटा आ गया तो यहां पर देखिए ध्यान से जरा, थीटा इक्वल टू है टेन इनवर्स कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, या ऐसा भी एक तरह से कॉट है, तो ये हो गया टेन इनवर्स माइनस 4/3, क्योंकि कॉर्डेंट सेकंड है तो आप लिखोगे पाई माइनस टेन इनवर्स 4/3, देन दिस इज द राइट आंसर, राइट, ये टेन थीटा आ गया तो आपका आंसर आ गया टेन पाई माइनस टेन इनवर्स 4/3, यहां पर ये दिया हुआ था पाई बाय टू टू पाई, और इसका पूरा मल्टीप्लाई मत करिए, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो काम की आप पकड़ने की कोशिश करा करिए। जब बोला है प्योरली इमेजिनरी तो केवल आपको 4 इंटू दिस एंड दिस, इसको 0 से इक्वेट करना था। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को।